एक भारतीय सैनिक जो शहीद होने के बाद भी देश की सेवा कर रहा है। ये कहानी दिल्ली से लगभग 1600 किलोमीटर दूर सिक्किम राज्य में बसे नाथुला दर्रे के पास भारत चीन बॉर्डर की है। इस दर्रे के ठीक दक्षिण में 10 किलोमीटर दूर 13,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर बना है एक मंदिर। यह मंदिर देखने पर एक बंकर जैसा लगता है। इस मंदिर के अंदर हरभजन सिंह का वो सभी सामान है जो एक भारतीय सैनिक होने के नाते उनके पास था। उनकी वर्दी, उनकी बंदूक और उनके जूते आज भी इस मंदिर में रखे हैं। आज भारत के जाबाज सैनिक हरभजन सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारत चीन बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात भारतीय सैनिकों का मानना है कि आज भी हरभजन सिंह इस बॉर्डर की निगरानी करते हैं और हमें आने वाले खतरों के प्रति सचेत करते हैं। इनकी मौत का कारण एक गहरी खाई में गिरना बताया जाता है। अपनी मौत के बाद भी हरभजन सिंह की आत्मा अपनी ड्यूटी पर तैनात रही और वहीं उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान चीन की घुसपैठ के बारे में भारतीय सैनिकों को सतर्क भी किया। यहाँ तक कि भारतीय सेना ने आज भी एक सजग सैनिक के तौर पर इनकी सेवाओं को जारी रखा। मृत्यु होने के बाद भी ड्यूटी पर रहने के दौरान हरभजन सिंह की पदोन्नति की गई। एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुए हरभजन सिंह कैप्टन के पद से रिटायर हुए। वही बतौर एक सैनिक उन्हें 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती थी। आज हरभजन सिंह को शहीद हुए पूरे 53 साल हो चुके हैं, लेकिन चीन सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए उनका देश प्रेम आज भी अटल है। जय हिंद, जय भारत।